हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की तैयारी हम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है 0 से 5 ईयर्स में किस तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है चाइल्ड का, बच्चे का, सो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम 5 से लेके 12 साल तक क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे डेवलपमेंट होगा, उसकी आज हम बात करेंगे। और अगर डिटेल की बात करें कि बिल्कुल स्टेजेस वाइज डिटेल, वो हम डेवलपमेंट की जो थियोरीज है उनके अंदर पढ़ते हैं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी, देखिए लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, सो मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी बता चुकी हूं कि 1 से 2 साल का अगर गैप ऊपर नीचे दिखाया जा रहा है तो दैट्स ओके, आप अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का। जैसे कि यहां पे हम बात कर रहे हैं कि लेटर चाइल्डहुड क्या होगा, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का पीरियड, सो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जो है, जो हमने 3 to 5 बोला था वो तो अर्ली चाइल्डहुड था, राइट। ऐसे ही हम 12 ईयर्स तक क्यों लेके जा रहे हैं इसको, बिकॉज 10 से लेके 19 ईयर्स की बात जब हम करेंगे सो वो तो एडोलेसेंस का पीरियड है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। तो वो 1-2 साल ऊपर नीचे चलता रहता है। 0 से 5 ईयर की जो है ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके, कैसे डेवलपमेंट बच्चे में देखने को मिलता है, आज हम 5 से 12 साल का डेवलपमेंट देखेंगे। एंड ऑब्वियसली जो मेंशन था कि फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वैसे ही कंटिन्यूटी में हम बात करेंगे। सो अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हाइट और वेट कंपैरेटिवली जो है वो स्लो हो जाएगा लेट चाइल्डहुड में, स्लो स्टेडी, बट एक यूनिफॉर्म ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 12 साल के बच्चे की तो 56 इंचेस की हाइट और 85 पाउंड इन वेट जो है वो देखने को मिलेंगे। बॉडीली प्रोपोर्शंस की बात करें सो उसमें चीजें बढ़ेंगी, मतलब आपके जो है एकदम से बच्चा होता है ना कि उसके हाथ लंबे होते नजर आ रहे हैं उसको, या बड़ा होता नजर आ रहा है, हाइट बढ़ती नजर आ रही है थोड़ी सी, सो उससे क्या होगा, एक जो है रादर देन कि एक अच्छा लुक आ रहा है उनको, वो अगली आउटलुक जो है बच्चे को लग सकता है, ठीक है। सो वो बॉडीली प्रोपोर्शन जो है उनमें ओवरऑल अपियरेंस में बच्चे की चेंज आ रहा है कि नाक बड़ी हो रही है, या वो साइज जो है बच्चे का ऑब्वियसली चेंज होगा धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, सो वो बॉडीली प्रोपोर्शन में चेंजेस नजर आएगा। ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलेगा मसल्स का, जैसे कि बच्चा अब स्कूल जाने लगेगा 5-6 साल की एज में, तो वो क्या करेगा, लिखना उसको अच्छे से आएगा, पेन अच्छे से पकड़ पाएंगे, तो एक फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अगर टीथ की बात करें तो जो वो दूध के दांत होते हैं मिल्क टीथ, वो यहां पे टूटने शुरू हो जाते हैं और परमानेंट टीथ जो है वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है जो आपको पता ही होगी। नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है, रिलेटिवली स्लो चेंज हमें देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू इन्फेंसी, क्योंकि इन्फेंसी में हमने बोला था ना एकदम से रैपिड चेंज बच्चे में नजर आता है, सो वो रैपिड ग्रोथ मेजरली जब, मतलब धीरे धीरे वो ग्रोथ भी कम होती जाएगी कंपेरेटिवली, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें इन्फेंसी के पीरियड में देखने को मिलती है। नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ी सी इन्फेंसी के कंपैरिजन में स्लो रेट से ग्रो करेगा। सेंस ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स जो हैं वो भी इस पीरियड में क्या है, हम ये मान के चलते हैं, जैसे क्योंकि हमने सेंसरी मोटर स्टेज तो किसको बोला था, सबसे पहली स्टेज बोल रहे थे हम इन्फेंसी की स्टेज को, सो इन्फेंसी की स्टेज में ही सेंसरी मोटर जो है यानी सेंसेस काम कर रहे थे बच्चे की, उसको समझ आ रहा था, उसको सेंसेशन की फीलिंग जो है वो समझ आ रही थी, बट यहां पे हम मान रहे हैं कि वो कंप्लीटली डेवलप हो चुकी हैं जो भी सेंस ऑर्गन या मोटर ऑर्गन है वो। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अभी भी बच्चे, क्योंकि बच्चे अगर हम बात करें तो बच्चों का पेट या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा क्या रहता है, टेंडर ही होता है, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक रहेगा अगर हम इन्फेंसी से बात करेंगे, बट यहां पे भी उनके खाने पीने का ध्यान जो है वो पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। सेक्स डिफरेंसेस जो है वो यहां पे फिजिकल ग्रोथ में चेंज मतलब हमें नजर आएगा कि लड़कियों की या लड़कों की ग्रोथ किस बेसिस पे हो रही है, तो हम मान के चलते हैं कि गर्ल जो है वो टॉलर ऑन एवरेज बाय 1/2 इंच एंड वेट मोर मतलब 3 पाउंड वेट जो है वो बच्चे से ज्यादा मिलेगा लड़कों से, लड़कियों का, सो लड़कियों की ग्रोथ जल्दी होगी, ऐसा यहां पे हम कंक्लूजन कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ के बाद अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो इंटेलेक्चुअल में लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमने पहले एक बात बताई थी ना कि आपको कंप्लीट बताया था कि यहां पे 12 जो है वर्ड्स बोल पाएगा बच्चा, या फिर कितने वर्ड्स बोल पाएगा, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में यहां पे वोकैबुलरी जो है वो सफिशियंटली रिच हो जाएगी, बच्चा फुल सेंटेंसेस बोल सकता है, वो अपनी बात समझा सकता है टॉपिक पे, मतलब उसका जो फेवरेट टॉपिक है उसके ऊपर एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ठीक है। सो वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्यूरियस क्वेश्चन
इमोशंस होंगे बच्चे के एज कंपैरिजन जो पहले थे, मतलब इन्फेंसी के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या थे, अगर वो पूछ रहा था ये क्या है तो अब वो पूछेगा ये क्यों है, ठीक है। सो एक डेफिनेट पैटर्न जो है वो हमें नजर आएगा बच्चे के क्यूरियस वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर। सो क्यू मतलब डेफिनेट पैटर्न किस वे में बोल रही हूँ, इन्फेंसी में एक डेफिनेट चीज नहीं थी, इन्फेंसी में जो वो क्यूरियोसिटी दिखा रहा था उससे कंपैरेटिव, मतलब उसमें तो वो कुछ भी लॉजिकल रीजनिंग या कुछ भी कर रहा था ना, बात कर रहा था, बट यहाँ पे जो क्यूरियोसिटी है और जो क्यूरियस क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है वो क्या होंगे, वो थोड़े से डेफिनेट होंगे, और डेफिनेट में भी क्या उसमें सोचने की थिंकिंग डेवलप हो रही है, इसलिए मतलब सोचने की शक्ति डेवलप हो रही है, थिंकिंग डेवलप हो रही है उसकी। सो व्हाट इज दिस, ये वो इन्फेंसी में पूछ रहा था कि ये क्या है, ठीक है, बट अब वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। जैसे उसमें दिखाते हैं ना कि बच्चे, वो बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि फरवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं, सो वो क्यों वाले क्वेश्चन या जो और थोड़े से डीपर क्वेश्चन यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, रियलिटी में वो आना शुरू हो जाएगा, उसको पता होगा कि इमेजिनेशन का जो वर्ल्ड है वो नहीं है, ये यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं वही है, तो इमेजिनेशन के वर्ल्ड से वो बाहर निकलेगा जो कि 5 साल की एज तक वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहा था, फैंटेसी या फेयरी टेल्स में। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का शुरू हो जाएगा, उसको पता होगा जैसे लेंथ डिस्टेंस, तो वो आइडिया जो है वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्कूल जाने लगेगा तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स जो है उसके डेवलप होने शुरू होंगे। इंटरेस्ट में डेवलपमेंट उसका देखने को मिलेगा कि उसका किस तरफ इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो वो ही लाइक्स बुक्स अबाउट ट्रेवल, बायोग्राफी, साइंस, एडवेंचर, फेयरी टेल्स, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे हर चीज यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इंटरेस्ट का जो कलेक्शन है that will reach a peak through this period. Radio and movies hold a strong appeal for him. तो वो होता है ना कि मुझे हीरो बनना है, इस जैसा बनना है, so वो यहां पे चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि उसका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा वास्ट दिखाई देगा। इमोशनल लेवल की अगर हम बात करें, सो इमोशनल स्टेबिलिटी अब आएगी थोड़ी सी, जैसे हमने बात की थी ना कि पहले बच्चे में अग्रेशन आ रहा था, वो धीरे धीरे कम होगा वो अग्रेशन, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी थोड़ी सी दिखेगी कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा है, वो शेयर करना थोड़ा सा कम कर रहा है। हमने बोला था ना ओवर्ट एक्सप्रेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा टाइम टू टाइम, सो वो चीज यहां देखने को मिलेगी। हिज इमोशनल बिहेवियर नॉर्मली इज गाइडेड बाय रैशनल एक्सप्रेशन, ही गेट्स एंग्री बट वो दिखा नहीं रहा है कि वो गुस्सा है, ठीक है, ही गेट्स फ्राइटेंड बट ट्राइज टू शो करेज एंड ब्रेवरी, मतलब वो होता है ना कि वो जेलस तो अभी भी है, उसको रोना तो अभी भी आ रहा है लेकिन वो रो नहीं रहा है, ठीक है, कि सबके सामने जो है अच्छा नहीं लगेगा या लड़के रोते नहीं है, इस टाइप का अगर स्टीरियोटाइप उसके दिमाग में फिट हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी कि उसको जेलसी हो रही है बच्चे से या बाकी जो आसपास के बच्चे हैं, पीयर ग्रुप है, बट वो अभी फिलहाल रो नहीं रहा है जो पहले वो रोने लग जाता था, ठीक है। हिज एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, वो सिर्फ स्माइल करेगा ऐसे चिल्ला चिल्ला के, शायद ना बताए अब, तो वो ओवर्ट एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, ये हम मान सकते हैं यहाँ पे। अब उसको यहाँ पे जैसे मम्मी अगर बच्चे को किस कर दे तो वो यहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स के सामने आप मत कीजिए, मुझे मत कीजिए, ठीक है, सो वो उसमें एक सेक्सुअल फीलिंग देखता है या सेक्स वाली जो वर्ड है वो देखता है, इस वजह से वो मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे को जो है किसी नहीं करनी है, ठीक है। ही डज, वो निकनेम उसका वो भी उसको हर्ट करेगा कि मेरा नाम तो ये है ना, मेरे नाम से बोलो, ठीक है, तो वो निकनेम्स जो है जो आप बोल रहे होंगे वो मना करेगा, बेसिकली वो प्रिटेंड करेगा इस स्टेज पे, वो प्रिटेंड करना जो है वो बच्चे को इस स्टेज पे आना शुरू हो जाएगा, जैसे उसको रोना आ रहा है बट वो रो नहीं रहा है, ठीक है, तो वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो करेजियस है, ब्रेव है, ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है बट वो दिखा नहीं रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली इमोशन, सेंटिमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होती हुई हमें दिखेंगी। सोशल लेवल की बात करें तो ग्रुप में खेलना शुरू कर देगा एट अबाउट 6 और 7, एक स्मॉल ग्रुप में खेलना शुरू करेगा, जो उसके प्लेमेट्स हैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगेगा। फिर 11 से 12 की एज की बात करेंगे तो वो टीम ही बन जाएंगी, मान लो क्रिकेट खेलना है, दो टीम बनी हुई है, ठीक है, सो वो थोड़ा सा ग्रुपिंग बढ़ जाएगी, गैंग बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप की बात करें तो सारा का सारा इंपॉर्टेंस ही वो किसको दे रहा है, वो गैंग को दे रहा है, ग्रुप को दे रहा है कि जो ग्रुप में बात हुई है वही है, ग्रुप के सीक्रेट्स हैं, किसी को नहीं बताने, ठीक है। So, वो ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है, ग्रुप की जो अहमियत है, वो हमें यहां देखने को मिलेगी। ग्रुप में एडजस्ट होना सीखेगा, ग्रुप मतलब वो होता है ना कि ग्रुप का इंटरेस्ट ही उसका खुद का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ग्रुप की तरफ लॉयलिटीज होंगी, जैसे वो सीक्रेट्स या जो ग्रुप में डिस्कशन हो गया, बात हो गई, वही डन है, ठीक है। ग्रुप लीडरशिप भी हो सकता है कि वो ग्रुप का लीडर भी बन जाए, जो गैंग या ग्रुप बना रहे हैं उसका लीडर भी अज्यूम कर ले लीडरशिप जो है। सेक्स डिफरेंसेस यहां उसको समझ आएंगे, यानी लड़के अलग और लड़कियां अलग खेलना शुरू कर देंगे इस पॉइंट पे, कि लड़कियों की अलग ग्रुप है, गैंग है, और लड़कों की अलग है, ठीक है। बॉयज यूजुअली देखा गया है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव गेम्स में ज्यादा होता है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया,
कबड्डी क्रिकेट इस टाइप की चीजें, बट गर्ल्स जो है थोड़ा सा इंडोर गेम्स में या फिर बैडमिंटन की तरफ जो है उनकी रुचि ज्यादा देखने को मिलती है। हर एक गैंग के जो है वो स्पेशल बैजेस या सीक्रेट पासकोड्स होते हैं ना, वो सीक्रेसी कि हाँ मतलब बताना नहीं है कि हमारे बीच ये बात हुई है, ये किसी को नहीं बतानी, ठीक है। बट यूजुअली देखा है कि रूल्स जो है वो ज्यादा गर्ल्स गैंग में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो अप होते हैं कि जब बात हो गई नहीं बतानी तो नहीं बतानी, लड़के फिर भी कहीं ना कहीं बोल देंगे, ऐसा इस स्टेज में जो है वो राइटर का कहना है। प्लानिंग रहेगी यहाँ पे, चाइल्ड खुद प्लान कर सकता है कैसे खेलना है, इनिशिएट कैसे करना है गेम को या क्या रूल्स होंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ देखने को हमें मिलेंगी। स्टेटस की कॉन्शियसनेस उसमें आ जाएगी, उसको समझ आने लगेगा कि अगर लो इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो सीरियसली एक हैंडीकैप फील करेगा वहां पे कि मेरे पास सेम क्लोदिंग नहीं है, तो वो क्लोदिंग के लिए या जो उसका बैकग्राउंड है बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो उसके लिए थोड़ा सा जो है शर्मिंदगी फील होगी यहाँ पे। तो पेरेंट्स और टीचर्स को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों को इन सब चीजों के बारे में ना फंसने दें, ठीक है। तो वो जो प्रिजुडिसेस हैं वो यहां पे ना आए, वो पेरेंट्स और टीचर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सस्सेप्टिबिलिटी टू सोशल अप्रूवल, सोशली वो अप्रूवल चाहेंगे कि जो वो बात बोल रहे हैं, जो जो चीजें कर रहे हैं, जो गैंग में बिहेवियर है उसको अप्रूव किया जाए सोशली, ठीक है। कि वो मतलब वो अप्रूवल चाह रहा है कि अगर गैंग है वहां पे बच्चों की या जो उनका ग्रुप है, वो चाह रहा है कि वो अप्रूव करें कि उसकी ड्रेस कैसे लग रही है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, तो वो अप्रूवल चाहेंगे यहां पे, ठीक है। देन सजेस्टेबिलिटी, इंडिविजुअल जो है वो क्या करेंगे, गैंग के मेंबर्स ने जो जो चीजें सजेस्ट किए या जो जो चीजें हैं उससे थोड़ा सा क्या रहेंगे, अबाइड बाय रहेंगे कि जो आपने बोल दिया वही, तो वो गैंग के प्रति लॉयल जो है हमें देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रा सजेस्टेबिलिटी की बात करें तो पेरेंट्स या एल्डर्स की बताई हुई कोई भी सजेशन उनको अच्छी नहीं लगेगी, तो सारे के सारे जो है सजेशन जो भी बड़े लोग देंगे, एडवाइस देंगे, तो वो इस टाइम पे उनको अच्छी नहीं लगती, तो वो रिबेल या रिवोल्ट कर सकते हैं उस एडवाइस के लिए। देन आता है जी टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर विच डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ गैंग लाइफ। सो जो ये गैंग लाइफ है ना चाइल्डहुड की, इसकी वजह से क्या क्या बिहेवियर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये पिछले वाला पॉइंट भी उसी से रिलेटेड था, ओके। ये तीनों के तीनों पॉइंट यहां तक सोशल वाले हो गए, बट अब हम पढ़ रहे थे इन सोशल की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, जो गैंग लाइफ है ये किस चीज को लीड कर रही है, ठीक है। सो वो गैंग के प्रति काफी लॉयल है, वो अप्रूवल चाह रहे हैं, उनका एक राइवलरी और एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा कि दो अगर अलग बच्चों के ग्रुप है, जैसे वो थी ना भूतनाथ मूवी, उसमें दो स्ट्रॉन्ग बच्चे थे वो लीडर थे, और उन दो वो क्या था नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका, बंकू और उसके दूसरे का नाम जोजो, जोजो, बंकू और जोजो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, उनके अलग अलग ग्रुप बन गए थे, ठीक है। और उसी मूवी के एक गाने में जो है वो राइवलरी दिखा रखी थी उनकी, दुश्मनी या कॉम्पिटिशन दिखा रखा था, ठीक है। सो ये कॉम्पिटिशन और ये जो राइवलरी है ये तीन लेवल्स पे हमें देखने को मिलेगी। एक तो होगा जब राइवलरी क्या होगी कि ग्रुप मेंबर्स को राइवल है एक दूसरे के लिए, वो रिकग्निशन के लिए कि किसको रिकग्नाइज किया जाए, कौन बड़ा है, ठीक है। जब ग्रुप्स बन गए तो एक गैंग का जो है दूसरे गैंग के साथ मुठभेड़ होगी, राइवलरी रहेगी, कॉम्पिटिशन रहेगा। और जब ये चीजें भी सॉर्ट आउट हो गई तो जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी किसके साथ, जो ऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज है ना सोसाइटी में, उनके साथ क्या देखने को मिलेगी, एक कॉम्पिटिशन और राइवलरी देखने को मिलेगी। सो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप सॉलिडेरिटी भी बहुत वीक है, सेकंड ग्रुप में ग्रुप सॉलिडेरिटी हो गई, दोनों अलग अलग ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन के खड़े हो गए, और जो लास्ट पार्ट है थर्ड केस, उसमें इंडिपेंडेंस ऑन द पार्ट ऑफ गैंग मेंबर इज अटेन्ड, ठीक है जी। सो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। फर्दर अगर हम बात करें तो सोशल इंसाइट जो है वो इंक्रीज होगी एज के साथ साथ, ग्रुप प्ले, ग्रुप में खेलना पसंद करेंगे, सेक्स क्लीवेजेस होंगे, यानी कि वो डिफरेंस जो है उनको समझ आ जाएगा कि अलग अलग, मतलब वो होता है ना वो दूसरे या लड़कियों के साथ खेलने से मना कर देते हैं, ये लड़की है मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है, या ये लड़का है मैं नहीं खेलूंगी, तो वो सेक्स क्लीवेजेस हमें देखने को मिलेंगे कि अपार्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। तो उनका ये जो बिहेवियर है ये प्यूबर्टी तक रहता है, फिर वो धीरे धीरे वापस से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अगर एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करें सो देखा जाए तो ये जो स्टेज थी हमारी ये क्या है, मिरर ऑफ द होल लाइफ, यहां पे हमें सारी की सारी जिंदगी आगे की दिखने लग जाती है, मतलब मिरर है कि जैसा बच्चा यहां होगा वैसा ही शायद आगे भी हो। तो एजुकेशनल इंप्लीकेशंस अगेन मेन मेजर चीज तो यही रहेगी कि जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट या फिर बीइंग अ सिटीजन भी अगर आपके आसपास कोई बच्चा है तो आप क्या करें, वो जो चीजें आपने की हैं, अगर आप टीचर हैं, मान लो मैं एक टीचर हूं, सो मुझे ये सब चीजें पता है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपको पता है कि बच्चा गैंग में शामिल हो रहा है, सो बीइंग अ पेरेंट आपको कोशिश करनी कि वो गलत बच्चों की संगत में ना हो, ठीक है। तो वो सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब उसमें आप हेल्प कर सकते हैं,
सकते हैं बच्चे की, ठीक है, एक प्रॉपर डेवलपमेंट बॉडी का आप देख सकते हैं, उसका न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड करके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आप हेल्प कर सकते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो आपसे चीजें शेयर करे, वो ओवरट एक्सप्रेशन जो डिक्लाइन होता जा रहा है वो कोशिश कर सकते हैं आपकी ना हो, ठीक है जी। सो वो सारी चीजें, क्योंकि जो भी चीज के एजुकेशनल इंप्लीकेशंस या सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे ना, वो यही है कि हमें जब डेवलपमेंट के बारे में पता है कि इस स्टेज में ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, उस चीज को सुधारने की कोशिश करनी है, उसमें बच्चे की हेल्प करनी है, ना कि जो है हम भी बिल्कुल, जो बच्चा अगर मान लो रिबेलियस बन रहा है किसी चीज को लेके, सो हम भी बिल्कुल ऐसे अगेंस्ट खड़े हो गए, उसको अच्छे ना हमें उसको अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से समझाना है, बिकॉज उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, बट बींग अ पेरेंट बींग अ टीचर आपको तो पता है में क्या हो रहा है, ठीक है। सो अवेयरनेस के लिए भी हमें डेवलपमेंट होता क्या है वो पता होना चाहिए, ऑल्दो हम ये अब टीचिंग एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं जब, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं, ठीक है जी। सो ये सारी की सारी चीजें 5 से 12 साल तक चेंजेस होते हैं बच्चों में अलग अलग तरह के। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ रहा है, ताकि थोड़ा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी आप लोगों की तरफ से मुझे मिले, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।